जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदू धर्म में उगते सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम सभी अपने घर में बचपन से देखते आ रहे हैं कि घर के बड़े सूरज को अर्घ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ देते समय अगर ये गलतियाँ हो जाएँ तो भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य को शांति और शालीनता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं सूर्य को अर्घ देते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें और इसके क्या फायदे होते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें और आपसे निवेदन है कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मित्रों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। मित्रों, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमों के पालन के साथ ही अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं जल चढ़ाने के उन नियमों के बारे में। मित्रों, सूर्य देव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाएं। साथ ही यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए चांदी, शीशे या स्टील के लोटे या गिलास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा संभव हो तो उगते हुए सूरज को ही जल चढ़ाना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय सूर्य की निकलने वाली किरणें शरीर का कष्ट दूर करती हैं, इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वहीं मित्रों, सूर्य देव को जल का अर्घ अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। वहीं सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर हों। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। वहीं मित्रों, ज्योतिषियों की माने तो सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहाँ आप खड़े हों वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। इसके अलावा मित्रों, इस दौरान ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम ग्रीन सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आने पर ही दूसरी दिशा जहां वह दिख रहे हैं की ओर मुख करके ही अर्घ दें। वही मित्रों, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने के फायदे के बारे में बात करें तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मशुद्धि के लिए और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए।
वहीं सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मित्रों, सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। वहीं मित्रों, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।